सो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 के फर्स्ट तीन जो क्वेश्चंस है ये करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अगर इसके पहले के जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपने नहीं देखे और अगर आपको देखना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया, ठीक है। वो वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक कर दूँगा तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट हम लोग 3.4 जो है शुरू करते हैं। एंड गाइस अगर आपको जो वीडियो के जो लिस्ट है लाइक फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने वीडियो के प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन आता है यूट्यूब पर, वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है एपी का, उसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे कि फर्स्ट पार्ट कौन सा, सेकंड पार्ट कौन सा, या फिर मैंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ऐसा लिखा हुआ है। तो उस जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसका पार्ट देखो और उसके आगे वाला वीडियो, ऑफकोर्स उसके आगे वाला जो पार्ट नंबर रहेगा उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ना फटाफट हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है वो शुरू करते हैं। सो आज ये तीन से हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। ऑन 1 जैन 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10.11 ऑन सेकेंड डे, 12 on third day. If she decides to save like this, then on the 31st day of 2016, what will be her total saving? ठीक है, तो एक सानिका करके एक लड़की है, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया कि 1 जनवरी, ठीक है, जो ईयर का स्टार्टिंग होता है, ठीक है, 1 जनवरी 2016 से उसने पैसे सेव करने शुरू किए फर्स्ट डे पे, ठीक है। फर्स्ट डे पे उसने सेव किया ₹10, नेक्स्ट डे पे उसने सेव किया ₹11, ठीक है, वैसे ₹12 ऑन थर्ड डे। तो हर दिन पे वो एक एक रुपया बढ़ा रही है और ऐसे वो हर दिन पे 10 फिर 11 फिर 12 ऐसे रुपीज़ सेव कर रही है। अगर वो ऐसे करते जाए, ठीक है, और ये कब तक कर रही है, ये इसने स्टार्ट किया था 1 जैन को, ठीक है, और ये ऐसा करेगी, ठीक है, तो एक लास्ट वाला अमाउंट आएगा TN, ठीक है, जब वो कुछ तो अमाउंट सेव करेगी लास्ट डे पे। और ये जो डेट है, ये डेट है तुम्हारा 31 दिसंबर ऑफ 2016, उसी साल का 31 दिसंबर तक ये क्या करेगी, सेव करेगी। सो नाउ इसने पूछा है कि व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो इसने इतने दिन में सब मिला के कितना सेव किया, ठीक है, सब मिला के कितना सेव किया है, तो एस एन पूछा, ठीक है, यानी सब मिला के सेविंग पूछा, लास्ट डे पे कितना सेव किया ये नहीं पूछा है, सब मिला के कितना सेव किया है, तो लास्ट तक सब मिला के कितना सेव किया पूछा है। दैट मीन्स कि 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक उसने कितना सेव किया, ठीक है ना। नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, हमारे पास टोटल अगर एक साल का हम लोग डेज काउंट करें तो 365 डेज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ईयर्स में। बट ये जो 2016 है, ठीक है, ये एक लीप ईयर है, ठीक है, क्या है कि ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर में है ना एक्चुअली 366 डेज होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है। तो 2016 जो है तो उसमें कैसा है कि टोटल 366 डेज है। तो बोलते हैं सर, तो आप लोग बोले कि सर इससे हम लोग क्या करें, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर एक दिन बढ़ेगा तो इसमें जो सेविंग है वो एक और दिन की ऐड होएगी। तो ये जो टर्म है इसकी पोजीशन क्या है, देखो ये जो टर्म है इसकी पोजीशन है T1, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। वैसे ये जो टर्म है इसकी पोजीशन रहेगा T 366, ठीक है, ये 366 टर्म रहेगा, ठीक है, जो लास्ट टर्म है। तो हमको जो लास्ट टर्म है उसकी पोजीशन जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। सो ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो T1 है, T1 हमारा कितना रहेगा, A कितना हमारा 10, ठीक है, तो T1 हमको मिल गया। ना अगर हमको D ढूंढना तो D क्या रहेगा, T2 माइनस T1, T2 कितना हमारा 11 माइनस 10 किया तो कितना आएगा 1, तो D की वैल्यू भी हमारे पास है कितनी है वो 1, ठीक है। हमारे पास T1 या फिर A है, ठीक है, हमारे पास A है हमारे पास D है, ठीक है। जो लास्ट टर्म है, ठीक है, तो हमारे पास जो N की वैल्यू है वो कितनी है 366, ठीक है, लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास नहीं, और लास्ट टर्म की वैल्यू हमको चाहिए भी नहीं, ठीक है। हमको पूछा क्या है, अभी हमको पूछा है कि SN कितना है, S366 कितना है या फिर SN कितना है, ये हमको ढूंढना है। तो देखो अगर हम लोग SN का फॉर्मूला लिखे तो SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल्स टू क्या है, N upon 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला के लिए सब कुछ है हमारे पास सिवाय एस एन के, ठीक है। सो हम लोग इसको यूज़ करके हम लोग एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 366 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 366 अपॉन 2, ठीक है, 2 इंटू A की वैल्यू, जो फर्स्ट टर्म है वही A है, वो क्या है मेरा 10, सो 2 इंटू 10 प्लस N की वैल्यू कितनी है 366, सो 366 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ ताकि मिस्टेक नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ। नाउ S 366 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, सो 2 वन ज़ा 2 वन बचा, 1 6 16, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 6 2 3 ज़ा 6, ठीक है। सो 183 आया, 183 ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंटू 10 20 प्लस 366 माइनस 1 किया, सो आएगा 3
65 इंटू 1 किया तो भी वही आएगा, ठीक है। ना इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या आएगा, 183 बॉक्स में 20, 20 प्लस 365 किया सो हो जाएगा 385। सो देयरफॉर एस 366 कितना आएगा, 183 इंटू 385 किया तो आएगा 70455। सो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। तो हमको एस 366 मिल गया 70455। तो अगर ये फर्स्ट जैसे शुरू करती 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ ऐसा सेव करना तो साल के एंड तक वो टोटल कितना सेव कर लेगी, 70,455 रुपीज़, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, देखो हमको ए कैसे मिल गया, जो जो फर्स्ट टर्म दिया था हमको कि फर्स्ट डे पे 10 सेव करेगी फिर 11 फिर 12, तो हमको जो ए पी यहाँ पे मिल गया था, ए पी दिया हुआ है तो हमने ए और डी जो है फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, सिंपली जैसे हम हमेशा करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म जो है वो ढूंढने के लिए हमको कितने ईयर्स में कितने डे है ये पता होना चाहिए, तो ये एक लीप ईयर है 2016, ठीक है, तो इसके लिए ये 366 आएगा, ठीक है। और लीप ईयर में कैसे चेक करता हूँ कि कौन सा ईयर जो है लीप ईयर, तो एवरी फोर ईयर में एक ईयर जो है वो लीप ईयर आता है, 2016 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, 2020, ठीक है। सो ऐसे हर 4 साल के बाद जो है तुम्हारा एक लीप ईयर आता है। ना सर हम लोग चेक कैसे करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, अगर कोई और ईयर पूछा तो हमको कैसे पता चलेगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी ईयर आपको दिया है उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। सो 4 1 4 4 5 20 0 4 4 16, ठीक है। सो 504 आया तो ये एक नेचुरल नंबर आया, डेसिमल लाइक पॉइंट में आंसर नहीं आया, ठीक है हमको। तो ये जो ईयर है ये लीप ईयर है, ऐसे में डिसाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 4 करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ गया, और जो लीप ईयर रहेगा उसमें 366 डेज रहेंगे, नॉर्मल ईयर में 365 डेज रहेगा, ठीक है। सो ना उसके साथ हमको मिल गया कि जो लास्ट टर्म है, ठीक है, वो लास्ट सेविंग कब करेगी, 366 डे पे लास्ट वो अपना सेविंग करेगी, तो जो लास्ट टर्म है वो है 366 टर्म, समझ में आया। तो टर्म की पोजीशन हमको पता चल गई, तो हमको एन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमारे पास ए था, हमारे पास डी था, हमारे पास एन था, और हमको एस एन या फिर एस 366 पूछा था, तो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला है इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दी, बिकॉज बाकी सब पता था, खाली एस एन नहीं पता था, तो वैल्यू पुट की हम लोगों ने एंड सॉल्व किया, तो हमको जो एस एन या फिर एस 366 जो है उसकी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। नाउ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है फटाफट समझते हैं। अ मैन बोरोस 8,000 रुपीज़ एंड एग्रीज टू रीपे विद एन इंटरेस्ट ऑफ 1,360 रुपीज़। सो एक आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने किसी से 8,000 रुपये उधार लिए है, ठीक है, एंड उसको फिर से उसको चुकाता है, और जब चुकाता है तो उस पर इंटरेस्ट पे करता है 1,360 रुपीज़, ठीक है। सुनो पहले ईयर आ सेक्शन समझ लेते हैं। तो एक इंसान ने बोरो कितना लिया, तो जब उसने लिया तो उसने 8,000 रुपये लिए थे, ठीक है, और जब वो देगा तो 8,000 तो देगा ही ऑफकोर्स, ठीक है, प्लस कितने देगा, जो इंटरेस्ट है वो भी देगा, वो प्लस 1,360, ठीक है, ये भी वो देगा क्योंकि ये इंटरेस्ट है उसका। नहीं दोनों मिला के उसने टोटल कितना दिया, सो 9,360 रुपीज़ जो है वो देते वक्त वापस देगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो पैसा ये उसने इंटरेस्ट पे किया, ब्याज जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये जो पूरा पैसा है ये वापस देगा, ये कितने इंस्टॉलमेंट देगा, तो ये टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स में देगा, यानी फर्स्ट मंथ में कुछ देगा, सेकंड मंथ में कुछ देगा, थर्ड मंथ में कुछ देगा, ऐसे करते करते टोटल वो 12 मंथ में ये सारे पैसे, ये 9,360 रुपीज़ है ये टोटल पैसे वापस देगा, ठीक है। तो टोटल जो एन की वैल्यू, ये फिर जो टोटल टर्म्स है वो कितने हैं, 12 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 40, और ये जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, ये पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 कम होगा, कितना होगा, माइनस 40 होगा, इसमें से और माइनस 40 करूँगा, ठीक है। ऐसे हर बार जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हमको डी की वैल्यू दे दी है, ठीक है। सो नाउ इसमें अगर मैं चेक करूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है कि जो फर्क है इसमें माइनस 40 का फर्क है, ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट बींग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 40, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, ठीक है। तो पहले वाले से 40 कम रहेगा, दैट मीन्स डी की जो वैल्यू है वो माइनस हो रही है, तो माइनस 40, ठीक है ना। टोटल इंस्टॉलमेंट 12 है, तो एन की वैल्यू मुझे मिल गई 12, ठीक है ना। सब मिला के टोटल कितना पे करेगा, 9,360 रुपीज़। सो एस एन जो है, ठीक है, सबका सम मिला के वो कितना, 9,360, सारा इंस्टॉलमेंट मिला के टोटल इतना पे करेगा, तो एस एन भी मुझे पता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये हमको फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढने के लिए बोल रहा है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढना है, मतलब हमको ए ढूंढना है, बेसिकली ए क्वेश्चन मार्क है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब हमको जो टी एन है ये ढूंढना है। सो हमको ए एंड जो टी एन है ये दोनों चीज़ें ढूंढनी है ना। सबसे पहले यहाँ पे हमको जो एस एन है ये दिया हुआ है, ठीक है, एन हमारे पास है, डी हमारे पास है। सो ना एस एन के फॉर्मूला में हमारे पास होता क्या क्या है। सो अगर हम लोग एस एन का फॉर्मूला लिखे, सो एस एन का फॉर्मूला इज़ एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में d, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो n है, ठीक है, n है,
हमारे पास एस एन है, हमारे पास एस एन है, ठीक है, हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास एन है, हमारे पास डी जो है वो भी है, तो खाली एक चीज़ मिसिंग है, वो है हमारा ए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब नोन है, सिर्फ ए अननोन है। तो अगर हम लोग इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो ए की वैल्यू है वो मिल जाएगी, तो ए तो मिल जाएगा यहाँ से। तो पहले हम लोग ए जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एस एन का फॉर्मूला है एस एन, ओके, सो एस एन की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। सो 9360 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू पता नहीं हमको, एन की वैल्यू वापस 12, 12 माइनस 1 ब्रैकेट में डी की वैल्यू माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ ये 2 मतलब 2, 2 6 जा 12, सो 9360 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 6, 2 इंटू ए, ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 इज 11 इंटू माइनस 40, ठीक है, मैंने ब्रैकेट रखा ताकि साइन में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो यहाँ पे आएगा 9360 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट 2a, नाउ ये 11 इंटू माइनस 40 किया, सो माइनस 440 आएगा, माइनस 440 ब्रैकेट क्लोज 40 और साइन, ना ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं 6 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सो 9360 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 440, 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6, बचा कितना 3, 33, सो 6 फाइव ज़ा 30, 3 बचा 36, सो 6 6 ज़ा 36 और 0, ठीक है। सो डिवाइड करने पे हमको क्या मिला, हमको मिला 1560 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 440, नहीं माइनस 440 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, सो 1560 प्लस 440 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है, माइनस है यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा, नहीं दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, सो 1 यहाँ पे कैरी, नाउ 4 प्लस 6 वापस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो वापस यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, सो आएगा 2000 इज इक्वल्स टू 2a, नाउ ये 2 को तो शिफ्ट करूँगा, सो 2000 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा a आएगा, सो ये कैंसिल किया तो ये आएगा 2 अंदर 2 और ये 0 0 0, सो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू हमको आ गई 1000, ठीक है। सो हम लोगों ने जो ए है वो फाइंड आउट कर लिया है, काफ़ी सिंपल था, बाकी सब चीज़ें दी हुई थी, खाली ए ही नहीं दिया होता तो हमने सिर्फ सॉल्व किया है, कैलकुलेशन किया है और हमको ए की वैल्यू मिल गई। नाउ हमारे पास एन है, ए है, डी है, तो हम लोग जो टी एन है वो ऑफकोर्स ढूंढ सकते हैं। सो टी एन का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल्स टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नाउ टी एन जो लास्ट टर्म है, ठीक है, तो लास्ट टर्म यानी टी 12 है वो बेसिकली, ठीक है। नाउ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1000, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारी 12, सो 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 40, सो टी 12 इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है, 12 माइनस 1 इज 11 एंड 11 इंटू माइनस एंड 11, 12 माइनस 1 इज 11 एंड 11 इंटू माइनस 40 इज माइनस 440, सो टी 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 माइनस 440, 1000 माइनस 400 किया तो आएगा 600 एंड 600 माइनस 40 किया सो आएगा 560 रुपीज़, ठीक है। सो जो हमारा लास्ट टर्म है वो रहेगा 560 रुपीज़। आई होप आप लोगों को समझ गया, कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल है, पहले तो सम को समझा जिससे मुझे एस एन जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एस एन कैसे आया, ठीक है, कि उसने 8000 रुपये लेते देते वक्त उसने 8000 भी दिए और साथ में इंटरेस्ट भी वापस दिया, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना देगा वो 9360 रुपीज़ देगा, ये समझना ज़रूरी है। तो ये हमारे एस एन की वैल्यू है, उसके इंस्टॉलमेंट्स कितने 12, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए 12, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। फिर इसने बोला कि हर इंस्टॉलमेंट पहले वाले इंस्टॉलमेंट से क्या होगा 40 और कम होगा, सो डी अगर नेगेटिव होगा तभी तो बार बार कम होगा ना, तो डी नेगेटिव है सो माइनस 40 रहेगा, ठीक है। सो हमारे पास एन है, हमारे पास डी है और हमारे पास एस एन था, एस एन के फॉर्मूला में मैंने पुट किया तो हमको जो ए है वो मिल गया यहाँ पे। सो टी एन के फॉर्मूला में हमारे पास ए था, एन था और डी था, सारी वैल्यूज पुट की तो जो हमको टी 12 यानी जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू मिल चुकी है। सो हमको जो फर्स्ट टर्म है ए वो भी मिल गया और हमको जो लास्ट टर्म चाहिए था ये भी मिल चुका है। सो दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर में, सो टी 1 इज इक्वल्स टू 5000, टी 2 इज इक्वल्स टू कितना है सेकेंड इन द सेकेंड ईयर 7000 एंड इन थर्ड ईयर 9000, ठीक है, सो टी 2 कितना है 7000 है, टी 3 कितना है हमारा 9000 है, ठीक है, तो हर साल वो कुछ अमाउंट बढ़ा बढ़ा के सेव कर रहा है। सो फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, तो 12 साल में, ये फर्स्ट ईयर में सेव किया, ये सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसे उसने 12 साल के लिए सेव किया, सो टी 12 तक उसने सेव किया है, ठीक है। तो उसने पूछा कि सब मिला के फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बोला मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने सालों में, 12 सालों में उसने कितना सेव किया, दैट मीन्स कि हमको पूछा हुआ है एस 12, ठीक है, यानी टोटल 12 साल में जो इन्वेस्ट किया उन सबका सम, ठीक है। नाउ
अगर हमको S12 ढूंढना है तो हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और जो लास्ट टर्म है वो पता होना चाहिए, या फिर हमको फर्स्ट टर्म ए डी और एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले अगर हम लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ए की वैल्यू है हमारी 5000 जो हमको पता है, येस डन। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म जो है 12 है, तो जो एन की पोजीशन लास्ट टर्म की पोजीशन कितनी है 12 है, तो एन की वैल्यू 12 है, मिल गया ना। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हम लोग करेंगे टी टू माइनस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन किया तो क्या आएगा 7000, माइनस 5000 किया तो आएगा 2000, तो डी की भी वैल्यू हमको मिल गया। हमारे पास ए है, हमारे पास एन है, हमारे पास डी है, हमको S12 ढूंढना है, तो हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं। सो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू स्क्वायर ब्रैकेट्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो हमको क्या ढूंढना है, S12 ढूंढना है। ठीक है, सो S12 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी हो गई 12 अपॉन टू ब्रैकेट में टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू हमको आई है 5000, सो टू इंटू 5000। ठीक है, प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस वन, ठीक है, एंड डी की जो वैल्यू वो कितना है हमको 2000, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंटू 2000। ठीक है, सो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन टू डिवाइड किया तो क्या आएगा 6 आएगा, 2 इंटू 5000 इज 10000। ठीक है, प्लस 12 माइनस वन इज 11 इंटू 2000। ठीक है, नाउ S12 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट 10000 प्लस 11 इंटू 2 इज 22000 ब्रैकेट क्लोज। सो S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 22 प्लस 10 इज 32000 एंड S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 32000 किया तो आएगा 1,92,000। ठीक है, तो हमको जो S12 है उसकी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, सो फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स इज 1,92,000। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट वाज द लास्ट सम। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्न। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और ये जो वीडियो है और भी लोगों को देखने के लिए मिले। और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें या कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।